जब वे यीशु को ले जा रहे थे तो उन्होंने गांव से आते हुए शिमोन नामक कुरेने निवासी को पकड़ा और उस पर क्रूस रख दिया ताकि वे उसे यीशु के पीछे पीछे ले जाएं। लोगों की भारी भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही थी, उनमें नारियां भी थीं, जो अपनी छाती पीटते हुए उनके लिए विलाप कर रही थीं। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि वे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य है वे स्त्रियां जो बांझ हैं, धन्य है वे गर्भ जिन्होंने प्रसव नहीं किया, और धन्य है वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। वे यीशु के साथ दो कुकर्मियों को भी प्राणदंड के लिए ले जा रहे थे। वे उस जगह पहुंचे जो गुलगुथा अर्थात खोपड़ी की जगह कहलाती है। वहां लोगों ने यीशु को पित्त मिली हुई अंगूरी पीने को दी। उन्होंने उसे चख तो लिया लेकिन उसे पीने से इनकार कर दिया। वहां उन्होंने यीशु को और उन दो कुकर्मियों को भी क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और एक को उनके बाएं। यीशु ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कीजिए क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के बाद सैनिकों ने उनके कपड़े ले लिए और कुर्ते के सिवा उन कपड़ों के चार भाग कर दिए, हर सैनिक के लिए एक एक भाग। उस कुर्ते में सीवन नहीं था, वो ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा बुना हुआ था। उन्होंने आपस में कहा, हम इसे नहीं फाड़ें, चिट्ठी डालकर देख लें कि यह किसे मिलता है। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। सैनिकों ने ऐसा ही किया। जब उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, उस समय पहला पहर बीत चुका था। पिलातुस ने एक दोष पत्र भी लिखवाकर क्रूस पर लगवा दिया, वो इस प्रकार था, यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। बहुत से यहूदियों ने यह दोष पत्र पढ़ा क्योंकि वो स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे शहर के पास ही था, और दोष पत्र इब्रानी, लातिनी और यूनानी भाषा में लिखा हुआ था। इसलिए यहूदियों के महायाजकों ने पिलातुस से कहा, आप ये नहीं लिखिए यहूदियों का राजा, बल्कि इसने कहा कि मैं यहूदियों का राजा हूं। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। उधर से आने जाने वाले लोग यीशु की निंदा करते और सिर हिलाते हुए ये कहते थे, मंदिर ढाने वाले और तीन दिनों के अंदर उसे फिर से बना देने वाले, क्रूस से उतर कर अपने को बचा। महायाजक और शास्त्री भी उनका उपहास करते हुए आपस में ये कहते थे, इसने दूसरों को बचाया लेकिन ये अपने को नहीं बचा सकता, ये तो मसीह है ना, इज़राइल का राजा, अब ये क्रूस से उतरे जिससे हम देखकर विश्वास करें। जो यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे वे भी उनका उपहास कर रहे थे। क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों में एक इस प्रकार यीशु की निंदा कर रहा था, तू मसीह है ना, तो अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं, तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत है क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं, पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, यीशु, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम आज ही मेरे साथ परलोक में होगे। यीशु की माता, उनकी माता की बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वो प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, हे नारी, देखिए ये आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने शिष्य से कहा, देखो ये तुम्हारी माता है। उसी समय से वो शिष्य उन्हें अपने घर ले गए। तब यीशु ने यह जानकर कि वो सब कुछ पूरा हो चुका है,
धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूं। वहां खट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा हुआ था। लोगों ने उसमें एक स्पंज डुबाया और उसे जूफे की डंडी पर रखकर यीशु के मुख से लगा दिया। दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एलोई, एलोई, लामा सबक्तनाई। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर, आपने मुझे क्यों त्याग दिया? यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ ने कहा, देखो ये इलियाह को बुला रहा है। यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। धरती कांप उठी, चट्टानें फट गईं, कब्रें खुल गईं और बहुत से मृत संतों के शरीर पुनर्जीवित हो गए। वे यीशु के पुनरुत्थान के बाद कब्रों से निकले और पवित्र नगर जाकर बहुतों को दिखाई दिए। जो सेनापति यीशु के सामने खड़ा था वो उन्हें इस प्रकार प्राण त्यागते देखकर बोल उठा, निश्चय ही ये मनुष्य ईश्वर का पुत्र था। वहां कुछ नारियां भी दूर से देख रही थीं। उनमें मरियम मगदलीनी, छोटे याकूब और यूसुफ की माता मरियम और सलोमी थीं। जब यीशु गलीलिया में थे तो वे उनके साथ रहकर उनकी सेवा करती थीं। बहुत सी अन्य नारियां भी थीं जो उनके साथ यरूशलेम आई थी। वो तैयारी का दिन था। यहूदी नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाएं, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्यौहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और शव हटा दिए जाएं। इसलिए सैनिकों ने आकर यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की। जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुके हैं तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी। लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर धर्म ग्रंथ का एक दूसरा कथन इस प्रकार है, उन्होंने जिसे छेदा वे उसी की ओर देखेंगे। अब शाम हो गई थी। उस दिन शुक्रवार अर्थात विश्राम दिवस के पहले का दिन था। इसलिए अरमिथिया के यूसुफ, जो महासभा के एक सम्मानित सदस्य थे और जो ईश्वर के राज्य की प्रतीक्षा में थे, वो निर्भय होकर पिलातुस के यहां गए और उन्होंने उनसे यीशु का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वो इतने शीघ्र मर गए हैं। उन्होंने सेनापति को बुलाकर पूछा कि क्या वे मर चुके हैं, और सेनापति से इसकी सूचना पाकर यूसुफ को शव दिलवाया। निकोदिमुस भी आए, ये वही थे जो एक रात यीशु से मिलने आए थे। वो लगभग 50 किलो गंधरस और एलोवेरा का मिश्रण लेकर आए। उन्होंने यूसुफ के साथ मिलकर यीशु का शव लिया और यहूदियों की दफन परंपरा के अनुसार उसे सुगंधित द्रव्यों के साथ कपड़े की पट्टियों में लपेटा। जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे वहां एक बगीचा था, और उस बगीचे में एक नई कब्र थी जिसमें अब तक कोई नहीं रखा गया था। उन्होंने यीशु को वहीं रख दिया क्योंकि वो यहूदियों के लिए तैयारी का दिन था और वो कब्र निकट ही थी। मरियम मगदलीनी और यूसुफ की माता मरियम ये देख रही थीं कि यीशु कहां रखे गए हैं। जो नारियां यीशु के साथ गलीलिया से आई थीं, उन्होंने भी आकर कब्रों को देखा और यह भी देखा कि यीशु का शव किस तरह रखा गया है। लौटकर उन्होंने सुगंधित द्रव्य तथा विलेपन तैयार किया और विश्राम के दिन नियम के अनुसार विश्राम किया। उस शुक्रवार के दूसरे दिन महायाजक और फरीसी एक साथ पिलातुस के यहां गए और बोले, श्रीमान,
हमें याद है उस धोखेबाज ने अपने जीवन काल में कहा था कि मैं 3 दिन बाद पुनः जीवित हो जाऊंगा, इसलिए 3 दिन तक कब्र की सुरक्षा का आदेश दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसके शिष्य उसे चुरा कर ले जाएं और जनता से कहें कि वो मृतकों में से जीवित हो गए हैं। ये अंतिम धोखा तो पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, पहरेदारों को ले जाएं और जैसा उचित समझें वैसा करें। वे चले गए। उन्होंने पत्थर पर मुहर लगवाया और पहरा बैठाकर कब्र को सुरक्षित कर दिया।